हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अनुराग। आज जो अपन टॉपिक देख रहे हैं दिस इज लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व कैसे बनता है उसके लिए अपन डिस्कशन करेंगे। इसको प्लांट कर्व भी कहते हैं। प्लांट कर्व क्यों? क्योंकि इसमें आप वेरियस प्लांट्स के ऊपर जो आपके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं उनके ऊपर डिसीजन लेते हैं, तो इसको कई लोग प्लांट कर्व भी कहते हैं। इसके कुछ और नाम भी हैं। इसके और डिफरेंट नेम्स की बात करें तो कई लोग इसको एनवलप कर्व भी कहते हैं। एनवलप कर्व इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी शेप कुछ कुछ एनवलप जैसी हो जाती है। अगर आप देखें ये एनवलप का फोल्डर है जो आप ओपन करके खोलते हैं, तो इसको कई लोग एनवलप कर्व भी बोलते हैं। और इसको प्लानिंग कर्व भी बोला जाता है क्योंकि इसमें आप लॉन्ग टर्म में ये प्लानिंग करते हैं कि आपको कब कौन सा प्लांट यूज़ करना है। भाई प्लांट एक हद तक आपको फ़ायदा देगा, उसके बाद आपको नुकसान देने लग जाता है। तो कब आपको नया प्लांट खरीदना है, उससे प्रोडक्शन करना है, तो ये आपका लॉन्ग टर्म प्लानिंग में भी काम आता है। इसलिए इसको प्लानिंग कर्व, एनवलप की शेप के कारण इसको एनवलप कर्व, और क्योंकि आप प्लांट के बारे में डिसीजन ले रहे हैं तो इसको प्लांट कर्व भी कहते हैं। अब ये यू शेप्ड होता है, कैसे बनता है इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व जो होता है वो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट से बनता है, तो इसलिए उसको समझने के लिए पहले आपको शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट समझना पड़ेगा। तो देखो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट यू शेप्ड होती है। एवरेज कॉस्ट यू शेप्ड होती है आपको पता है। आपका प्रोडक्शन सबसे पहले आप पॉइंट नंबर ए पे कर रहे हैं। जैसे जैसे आप प्रोजेक्ट में स्पेशलाइजेशन करेंगे वैसे वैसे आपकी कॉस्ट पर यूनिट कम आती जाएगी। तो देखो कम आ रही है और आप बी पॉइंट तक पहुँच गए, तो लोएस्ट पे पहुंच गया, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन उसके बाद आप देखेंगे कि अब आपकी जो कॉस्टिंग है वापस से बढ़ने लग जाएगी और अब आप जो है यहाँ डी पॉइंट पे आने लगे। अब आपको पता है कि कॉस्टिंग डी पे आ गई है, यानी हल्की सी बढ़ गई है, और लॉन्ग और थोड़ा समय और बीतने के बाद ये और बढ़ने लग जाएगी। तो इस कंडीशन में अब आपके लिए जरूरी रहता है कि अभी से आप नए प्लांट की प्लानिंग कर लें, क्योंकि नया प्लांट अभी से आपको प्लान कर लेना चाहिए। तो अब आप प्लांट जो है दूसरा ले लेंगे, ये दूसरे प्लांट की कॉस्ट चालू हो गई। शुरुआत में प्लांट में इसमें कॉस्ट सी लग रही है, लेकिन हमें पता है कि बाद में ये कॉस्ट ग्रेजुअली धीरे धीरे कम होगी। ये सी हुई, सी के बाद ये आपकी एफ पर आ गई, और ये आप जी कॉस्ट है वो आपकी मिनिमम हो गई। तो आप यहाँ ए पॉइंट पे क्वांटिटी वन बना रहे थे, बी पे क्वांटिटी टू बना रहे हैं, फिर क्वांटिटी फोर आप इस पर बनाएंगे कि क्वांटिटी फोर जो है आप यहाँ बना रहे हैं। यानी यहाँ कहने का मतलब ये है कि जो पहला प्लांट आपका चल रहा था उसी दौरान ही आपने प्लांट टू ले लिया है, तो अब आप प्रोडक्शन Q3 जो है वो प्लांट ए से फर्स्ट से भी कर रहे हो, प्लांट टू से भी कर रहे हैं। और यहाँ जब जैसे ही है अब आपको पता है कि अब आपको जो प्रोडक्शन है वो प्लांट टू से करना ज़्यादा अच्छा है, जो SSC2 है उससे, क्योंकि बाद में प्लांट वन की कॉस्टिंग बढ़ने लग जाएगी। इसलिए अब आप यहाँ जो प्रोडक्शन है वो जो प्लांट आपका फर्स्ट वाला है उससे भी कर रहे हैं और सेकंड से भी कर रहे हैं, लेकिन अब आगे जो आप प्रोडक्शन करेंगे ना वो केवल प्लांट टू पे ही करेंगे, क्योंकि पॉइंट एफ पे आपकी मिनिमम कॉस्ट आ रही है और आप क्वांटिटी फाइव बना रहे हैं। अब मिनिमम पॉइंट पे आने के बाद इसकी भी कॉस्ट यू शेप होने के कारण बढ़ने लग जाएगी, और अब आप थर्ड प्लांट की प्लानिंग पहले से कर लेंगे जिससे कि आगे भी उसकी कॉस्ट का फायदा आपको मिल सके। इस तरीके से आप बार बार प्लांट को शिफ्ट करते जाते हैं, इसीलिए इसको प्लांट कर्व भी कहते हैं। और क्योंकि आपको मिनिमम कॉस्ट का फायदा उठाना है हर प्लांट की, तो आप बार बार प्लांट चेंज करते जाते हैं, और जैसे ही उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है तो आप उस प्लांट वन से प्लांट टू, प्लांट टू से प्लांट थ्री पर शिफ्ट होने लग जाते हैं। तो इससे आपको शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व समझ में आ गया। अब इसी से लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व कैसे बनेगा उस पर अपन देखते हैं। तो अब देखिए ये है आपका लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट LAC। बहुत सारे SAC मिलकर, SAC 1, 2, 3, 4, 5, 6 बहुत सारे शॉर्ट पीरियड्स मिलकर एक लॉन्ग पीरियड मिलता है। मान लो एक शॉर्ट पीरियड जो है 4 मंथ्स का है या 3 मंथ्स का है, मान लेते हैं 3 मंथ्स का है, तो 3, 3, 3, 3 मिलकर ये लगभग 1.5-2 साल हो गए, तो लॉन्ग पीरियड बन गया ना। तो इसमें क्या होता है, जो SAC 1 का जो लोएस्ट पॉइंट होता है उस पर, देन SAC 2 का लोएस्ट पॉइंट, फिर SAC 3 का लोएस्ट पॉइंट, फिर SAC 4 का लोएस्ट पॉइंट, उन सभी के लोएस्ट पॉइंट से एक टेंजेंट लाइन जाती है और उन सभी पॉइंट्स को मिलाती हुई निकल जाती है, दैट्स कॉल्ड LAC। तो LAC वास्तव में खुद का कोई कर्व ही नहीं है, बहुत सारे शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट के लोएस्ट पॉइंट को मिलाकर आपका LAC बनता है। और आप हर प्लांट का फायदा ले रहे हैं कि यहाँ आप क्वांटिटी वन इस वाले प्लांट से बना रहे हैं, क्वांटिटी टू आप बी वाले प्लांट से बना रहे हैं, और इस तरीके से आपकी क्वांटिटी जो है वो आपकी बढ़ती जा रही है। अच्छा, यहाँ जो क्वांटिटी बना रहे हैं वो लोएस्ट कॉस्ट पर है, फिर आपकी कॉस्टिंग बढ़ने लग जाती है क्योंकि SAC आपका बढ़ रहा है। इन सभी के लोएस्ट पॉइंट को मिलाकर आपका LAC कर बनाया गया है। तो अब क्योंकि अगर आप देखेंगे क्लियरली दिख रहा है कि इसकी शेप एक एनवलप के फोल्डर जैसी बन गई है, इसीलिए इसको एनवलप कर कहते हैं। और क्योंकि लॉन्ग टर्म प्लानिंग पे वेरियस प्लांट्स के लिए चीज़ चल रही है, इसलिए इसको प्लानिंग कर भी कहते हैं। कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं इसके, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ LAC कर्व। फॉलोइंग आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। नंबर वन,
द LAC इज कॉल्ड एनवलप कर्व, वो तो मैंने आपको बता दिया, एज इट इट एनवलप्स द वेरियस SAC कर्व, ये बहुत सारे SAC कर्व को जोड़ रहा है और इसकी शेप भी आपकी एनवलप जैसी है. नो पोर्शन ऑफ LAC कैन लाई अबव एनी पोर्शन ऑफ SAC. कहने का मतलब ये है कि SAC की जो लाइन आप ये नीचे वाली देख रहे हैं, इसका कोई भी पोर्शन SAC के ऊपर नहीं होगा, क्योंकि हमें SAC की मिनिमम कॉस्ट का फायदा उठाना है, इसलिए हम उसके मिनिमम पॉइंट पे रहेंगे. LAC कभी भी SAC को क्रॉस इंटरसेक्ट नहीं करेगा, वो टच करेगा, टेंजेंटली टच करेगा, लेकिन क्रॉस कभी नहीं करेगा. ईच पॉइंट ऑफ LAC इज ए पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, जो मैंने बताया टेंजेंट लाइन, विद द कॉरस्पॉन्डिंग SAC कर्व, ये SAC के एकदम टेंजेंटली टच होता हुआ जाएगा. टेंजेंटली का मैं आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ, जैसे ये एक सर्किल है, इस सर्किल से लाइन टच नहीं हो रही तो ये टेंजेंट नहीं है, ये सर्किल है, लाइन इंटरसेक्ट हो गई तो टच नहीं हो, ये तो इंटरसेक्ट हुई है, ये भी टेंजेंट नहीं है. टेंजेंट किसको कहते हैं, जब जो सर्किल है और लाइन उसको टच करते हुए निकले, जैसे आपकी गाड़ी का टायर सड़क से टेंजेंटली चलता है, वो इंटरसेक्ट या अबो नहीं चल सकता, वो टेंजेंटली चलता है, इसको बोलते हैं टेंजेंट. तो LAC कर्व भी जो है SAC को टच करता हुआ निकलता है, इंटरसेक्ट करता हुआ या अलग से नहीं निकलता है, टच करता हुआ निकलता है, इसी को हम कहते हैं टेंजेंट होना. सही है, इसीलिए यहां लिखा है कि ईच पॉइंट ऑफ LAC इज ए पॉइंट ऑफ टेंजेंसी विद द कॉरस्पॉन्डिंग SAC, यानी SAC को टेंजेंटली टच करता है. द यू शेप्ड LAC एक्सप्लेन द रिटर्न टू स्केल, तो ये रिटर्न टू स्केल का है कि हाँ भाई, पहले आपका रिटर्न इंक्रीजिंग रिटर्न होता है, फिर कॉन्स्टेंट रिटर्न होता है, फिर डिमिशिंग रिटर्न होता है. तो इसका यू शेप्ड होने का रीजन जो है वो ये भी है कि इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल भी होता है. तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल और डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल अगर आपको डिटेल में सीखना हो तो आप मेरा अलग से वीडियो जो बना हुआ है वो आप देख सकते हैं. अब आप पूछोगे सर हम प्लांट चेंज करते ही क्यों हैं, क्योंकि जैसे जैसे आप प्रोडक्शन बढ़ाते हो उसकी कॉस्ट कम है, लेकिन एक लेवल के बाद उसकी कॉस्ट बढ़ने लग जाती है, तो फिर आपको क्या करना पड़ता है, प्लांट को चेंज करना पड़ता है. तो इसीलिए जो कॉस्टिंग है वो बढ़ने लग जाती है और इस कारण से LAC भी जो है वो अपवर्ड मूव करता है. LAC इज यू शेप्ड बट लेस प्रोनाउंस्ड इन कंपेरिजन ऑफ SAC. SAC के कंपेरिजन में ये कम होता है. जैसे मैं आपको बताऊँ, देखो ये SAC का यू शेप्ड है, तो इसका यू शेप देखो कितना कर्वी है, जबकि ये इतना लंबा कर्व है, ये जल्दी जल्दी ऊपर जा रहा है, तो ये बहुत तेजी से यू शेप बन रहा है, लेकिन ये यू काफी बड़ा है, इसका मतलब ये काफी स्लोली जो है वो मूव कर रहा है. अब आपके दिमाग में एक बात और भी आ सकती है कि सर ये तो इंक्रीजिंग रिटर्न है, अगर कॉन्स्टेंट रिटर्न हो, यदि कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल होगा ना, तो फिर आपका SAC ऐसे चलेंगे, है ना, क्योंकि उसमें कोई अपवर्ड मूवमेंट आएगा ही नहीं, क्योंकि कॉन्स्टेंट रिटर्न है, हर प्लांट से जो आपको आउटपुट मिल रहा है वो सिमिलर है, तो इसीलिए इन सभी के बॉटम लाइन एक ही लाइन पर होंगे, तो फिर उस कंडीशन में आपका LAC कर्व जो है वो यू शेप नहीं होगा, वो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा. तो कॉन्स्टेंट रिटर्न की कंडीशन में क्वेश्चन पूछ ले आपसे कि कॉन्स्टेंट रिटर्न की कंडीशन के अंदर LAC कर्व स्ट्रेट लाइन होता है, जबकि इंक्रीजिंग रिटर्न की कंडीशन में और डिमिशिंग, जब तीनों रिटर्न आती हैं उस कंडीशन में जो आपका LAC होता है वो आपका यू शेप्ड होता है. तो अब आपका इसका यू शेप्ड होने का कारण तो आपको पता लग गया कि इसकी इकोनॉमीज और डिसइकोनॉमीज के कारण ये आपका यू शेप्ड होता है, प्रोडक्शन के लेवल लगातार चेंज होते रहते हैं. अगर कॉन्स्टेंट रिटर्न होगा तो उस कंडीशन में LAC का डायग्राम जो है फिर ये वाला होगा. इतनी थ्योरी पढ़ने के बाद अब आप इसकी डेफिनेशन आराम से समझ सकते हैं, क्योंकि शुरुआत में मैं अगर डेफिनेशन समझाता तो आपको समझ में नहीं आती, अब आपने क्योंकि पूरा लॉजिक समझ लिया है अब आप डेफिनेशन समझिए कि डेफिनेशन क्या है. इन द वर्ड्स ऑफ मैंसफील्ड, द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज दैट कर्व विच शोज द मिनिमम कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन एट ईच आउटपुट लेवल, वेरियस आउटपुट लेवल पर यह आपको मिनिमम कॉस्ट बता रहा है कि यहाँ मिनिमम क्या होगी, यहाँ मिनिमम क्या होगी, कॉरस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट सेल्स और प्रोडक्टिविटी, वेरियस सेल्स प्रोडक्टिविटी के लेवल पर. हम इस डायग्राम में भी देखेंगे कि वो हर मिनिमम कॉस्ट को जो है वो ज्वाइंट कर रहा है, तो इसका मतलब LAC कर्व जो है वो मिनिमम कॉस्ट को कवर अप करता है. इसके अलावा एक डेफिनेशन अपन और देखते हैं. इन दिस कॉन्टेक्स्ट हॉलैंड हैज एप्टेस सेड, इन्होंने क्या कहा, द लोएस्ट पॉइंट इन ईच SAC कर्व, हर SAC कर्व का जो मिनिमम या लोएस्ट पॉइंट है वो अपन को लेना है. हाउ एवर मे नॉट बी द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी विद द LAC कर्व, कि ऐसा हो सकता है कि वो उसके टेंजेंट ना हो, लेकिन होगा मिनिमम ही. द लोएस्ट पॉइंट ऑन एन SAC कर्व इज ए टेंजेंट टू द LAC कर्व,
एसएससी का जो लोएस्ट पॉइंट है वो टेंजेंट होगा एलएससी कर्व के, ओनली एट द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द एलएससी कर्व, और वो भी एलएससी के लोएस्ट पॉइंट, यानी एलएससी उससे ऊपर कभी नहीं निकलेगी। ये बात मैंने आपको वीडियो के बीच में आपको बताई भी थी, और फिर मैंने आपको डिफरेंट नेम भी बताए थे, एनवलप कर्व भी कहते हैं इसको, प्लानिंग कर्व भी कहते हैं। फिर मैंने आपको ये भी बता दी कि वाई एलएससी कर्व इज यू शेप्ड, तो डिफरेंट रीजन जो हैं वो आपके मैंने डिस्कस किए हैं, ओके okay? और आपको कॉस्ट के बारे में डिटेल देखना हो तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ आपको कॉस्ट के बारे में शॉर्ट रन और उसके बारे में डिफरेंट कॉन्सेप्ट भी सीखने को मिलेंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो देखिए एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है, तो मेरी खुशी के लिए एक लाइक तो कर दीजिए। देखिए आपका टाइम बड़ा कीमती है, तो यदि नोट्स लिखने में आप अपना टाइम बचाना चाहते हैं और वर्कशीट भी गेट करना चाहते हैं तो इन सभी की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, जितने भी वीडियो हमने बनाए हैं उनके जितने भी क्वेश्चन मैं वीडियोस में करा रहा हूँ उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से उस लिंक को डाउनलोड कर सकते हैं, उसका प्रिंटआउट निकाल सकते हैं, उसके बाद वो क्वेश्चन पेपर आप अपने सामने रखिए और देन आप वीडियो देखिए, उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि क्वेश्चन आपके सामने रहेगा, तो ये चीज़ जरूर से कर लेनी है। और मैं आपको एक बार स्पेशल बताना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है ये तो ट्रेलर है, अगर आपको हमारे सारे वीडियो देखने हैं तो आपको हमारी मोबाइल ऐप सब्सक्राइब करना चाहिए, उसका नाम है अनुराग क्लासेस, और इसमें आपको हमारे सारे वीडियो देखने को मिलेंगे। क्यों, देखो YouTube तो ट्रेलर है, यहाँ सारे वीडियो नहीं होते, अगर आपको सारे वीडियो देखने हैं तो आपको हमारी मोबाइल ऐप सब्सक्राइब करनी पड़ेगी, उसमें आपको सारे वीडियोज़ मिलेंगे, उसमें आपको नोट्स मिलेंगे, प्रिंटेड नोट्स भी होंगे, हैंड रिटन नोट्स भी होंगे, मतलब आप हर तरीके के नोट्स वहाँ ले सकते हो, उसमें भी उसकी जो मेंबरशिप है वो प्रीमियम भी है और स्टैंडर्ड भी है, जो भी आप लेना चाहें। और आपको वहाँ अदर बुक्स के इंपॉर्टेंट पिक्स, अच्छे डायग्राम, अच्छे क्वेश्चन, अच्छे पैराग्राफ, वो भी आपको जो है इस ऐप के अंदर मिलेंगे। और इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, एमसीक्यू टेस्ट, एमसीक्यू टेस्ट का पैनल है जिसमें आप जितने भी टेस्ट वहाँ देंगे उसमें ऑप्शंस होंगे ए बी सी डी, उसमें ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चन होंगे, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन होंगे। आपने 40 क्वेश्चन का टेस्ट दिया, जैसे सबमिट किया विद इन फाइव सेकेंड्स आपका रिजल्ट आपके सामने है। तो ये मोबाइल ऐप मैं जरूर चाहूँगा आप जरूर से सब्सक्राइब करिए, मेरा नंबर है 9829224488, आप ऑफिस आवर्स में कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू। देखिए स्टूडेंट, हमारे चैनल से जुड़ने का फायदा आपको नेक्स्ट 7 ईयर्स तक मिलेगा, क्योंकि हमारी रेंज बहुत बड़ी है। नॉर्मली आप चैनल्स में देखेंगे वो 1 या 2 या 3 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं आपको बहुत बड़ी रेंज दूंगा, यदि आपकी और मेरी ट्यूनिंग जमती है तो ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहेगी, और वो ट्यूनअप में आपको बार बार नई ट्यूनअप नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि आपकी ट्यून मुझसे जम चुकी है। क्यों, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं 11th में आपकी अकाउंट्स, स्टेट्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स लूँगा, 12th में मैं आपकी अकाउंट्स, मैक्रो और इंडियन इको लूँगा, बीकॉम के अंदर मैं आपकी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, एडवांस अकाउंटिंग, कॉस्टिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बजटिंग, इनकम टैक्स एटसेट्रा, जो भी आपके जिस भी नाम से ग्रेजुएशन के अंदर ये कोर्स होंगे, इन सब के वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखे हैं, मोबाइल ऐप आपकी बना रखी है, तो आपको बहुत सारी फैसिलिटीज हम देने जा रहे हैं। इसके अलावा CA, CS और CMA के फाउंडेशन और इंटर कोर्सेज में जितने भी प्रैक्टिकल हैं या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड टॉपिक है, उन सब के वीडियो आपके तैयार मिलेंगे, पूरा स्टडी मटेरियल, पूरा नोट, सब चीज़ A to Z आपको रेडी मिलेगी। और इसके अलावा मास्टर्स अगर आप कर रहे हैं उसमें भी QT है या मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है, डायरेक्ट टैक्स है, QT का मतलब क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, एडवांस टैक्स है, यानी पूरी कंप्लीट प्रैक्टिकल जितने भी न्यूमेरिकल सब्जेक्ट होते हैं सब आपको हमारे चैनल पे और हमारे मोबाइल ऐप पे मिलेंगे, जो कि आपको नॉर्मली बाकी चैनल्स पे नहीं मिलते हैं। हर साल आपको नए चैनल्स पे शिफ्ट होना पड़ता है और यहाँ आपको एक ही चैनल पे कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा।